नमस्कार सभी साथियों को, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं HSSC TGT मैथ्स क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। TGT मैथ्स का एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2023 को हुआ था और ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी TGT एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो DSSSB हो, NVS हो, KVS हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमारे साथ लास्ट तक आप जुड़े रहिए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंटीग्रेशन सोल्व करना है 1/x (x²+1) का, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि जो नीचे दिया हुआ है x²+1, इसको लेट कर लेते हैं टी के इक्वल। x²+1 को हमने क्या माना, टी माना, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x dx = dt आएगा। यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/2x (dt) ये आएगी, ठीक है। तो अब सभी वैल्यूज़ को हम इस इंटीग्रेशन में, i की वैल्यू में रख देते हैं। देखिए i = आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू हमने रखी 1/2x और ऊपर आ जाएगा dt, ठीक है। नीचे था हमारे पास x(x²+1), तो x की जगह तो हमने x ही रख दिया। और जो x²+1 है उसका, देखिए हमने यहाँ पे लेट किया था ना, x²+1 = t है, तो यहाँ पे हम t रख देंगे उसकी जगह, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम इसको सोल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा हमें, dt/2 x(x) है, तो यानी कि 2x² हो जाएगा और x² की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज़ t-1। तो 2 को तो बाहर ही ले लेते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान रहेगा। 1/2 बाहर आ गया हमारा और t भी अंदर है और t-1 भी अंदर है, ठीक है। नीचे t(t-1) बन गया, तो ये वो वाली फॉर्म बन गई। इसको हम लिख सकते हैं कि 1/t-1, ठीक है, 1/t-1 माइनस में 1/t, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा dt के रिस्पेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें पता है जो 1/x है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड x, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 1/t है तो log ऑफ मोड t हो जाएगा और log ऑफ मोड t-1 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको, 1/2 तो है ही बाहर हमारे पास, अंदर बचेगा log ऑफ मोड t-1, ठीक है, माइनस में log ऑफ मोड t प्लस में c, c जो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट नहीं दे रखी। अगर लिमिट देते हैं तब हमें कांस्टेंट c ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिलहाल टाइम हमारे पास लिमिट प्रेजेंट नहीं है तो हम कांस्टेंट c ऐड कर देंगे आंसर में। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल जो t-1 है उसकी वैल्यू x² रखनी है इसमें, और जो t की वैल्यू है वो x²+1 रखनी है। देखो यहाँ पे वैल्यूज प्रेजेंट है हमारी, ये जो दे रखा है, ये स्टार बना लेती हूँ मैं यहाँ पे अलग से दिखेगा, ठीक है। x²+1 = t है, t की जगह x²+1 रखेंगे हम। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। देखो हमें क्या क्या मिला था, 1/2 बाहर मिला था हमारे पास और log ऑफ t-1 प्लस log ऑफ मोड t प्लस में c, ठीक है। और हमने जो लेट किया था वो था x²+1 = t के इक्वल लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो t-1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x² के इक्वल, और जो t है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, बस कुछ नहीं करना। 1/2 लॉग ऑफ t-1, t-1 है एक्स स्क्वायर, और देखो अगर इस 1/2 के जो एक्स स्क्वायर है वो 2 को अगर हम नीचे ले आए, क्योंकि हमें पता है लॉग m रेज टू पावर n क्या होता है, n लॉग m यही होता है ना, n को हम आगे ला सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ले आएंगे, अभी तो सेम रहने देते हैं। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने पूरे में, ठीक है। तो जो लॉग t है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड भी लगा लेना यहाँ पे, लॉग मोड ऑफ t है, इसकी वैल्यू है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस c, ये तो पूरा सेम रहेगा। अब देखो ऐसा आंसर हमारे किसी में भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, लॉग m रेज टू पावर n वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो जो ये 2 है ये आगे आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कुछ इस तरह से है, लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस 1/2 लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी। तो ये कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए से मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहा है या फिर बड़ा लग रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास हिज एग्जामिनेशन इज 0.73, यानी कि वो एग्जाम में पास होगा उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग सीट अब्रॉड इज 0.13, ठीक है, कि उसको अब्रॉड में सीट मिलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.13, और जो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास और गेट ए सीट अब्रॉड इज 0.80, ठीक है, कि वो पास भी हो और उसको सीट भी मिले अब्रॉड में, दोनों केस कब होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80, तो हमें बताना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही पासिंग एंड गेटिंग सीट अब्रॉड इज, कि वो पास भी हो रहा है और उसको अब्रॉड में सीट भी मिल रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो सिंपल देखो, इनको हम दो केसेस मान लेते हैं कि एक पास होना और एक अब्रॉड में सीट मिलना, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, वैल्यूज मुझे पता ही है। देखो ए जो केस है वो हमने माना पास होने का, ठीक है, तो एन ए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.80, सॉरी ये नहीं दे रखी, देखो पहले कितने दे रखे, 0.73 दे रखी है, और अब्रॉड में सीट मिलने वाली 0.13, ओके। तो एन ए हमें दे रखा है 0.,, बार बार 80 क्यों लिख रही हूँ मैं, वही वैल्यू याद रह रही है, चलो ठीक है, 0.73, ठीक है, एन ए हो गया हमारे पास, और एन बी कितना दे रखा है, एन ऑफ बी यानी कि अब्रॉड में सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.13, ठीक है, और दोनों केस पॉसिबल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों केस होने का मतलब कि ए यूनियन बी, कि ए भी है और बी भी है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 0.80। हमें निकालना क्या है कि दोनों चीजें हों, ठीक है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और ये जो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है या तो अब्रॉड में सीट है उसके पास या फिर वो पास हुआ है, ठीक है। चलो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है, सभी ने पढ़ा हुआ होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब केवल हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को रख देंगे, 0.80 है एन ए यूनियन बी, एन ए कितना है 0.73, प्लस एन बी कितना है 0.13,
माइनस हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, एंड ए इंटरसेक्शन बी हमने सेम रखा, ठीक है। तो 0.80 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.86 और ये माइनस है एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से जब हम एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 0.86 माइनस हो जाएगा 0.80, इनको माइनस कर देते हैं तो 0.06 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे, एन ए माना एन बी माना, और आपको पता कैसे चलेगा कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है या एन ए इंटरसेक्शन बी की। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता कैसे चला एन ए दे रखा था। देखो यहाँ पे है और वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ही विल पास और गेट ए सीट अब्रोड, या तो पास होगा या उसको सीट मिलेगी अब्रोड में। तो यानी कि जहाँ पे भी आपको और दिखे वहाँ पे आप यूनियन कंसिडर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एंड, ठीक है, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पास भी हो और उसको सीट भी मिले, यानी कि कॉमन इंटरसेक्शन हो गया ना वो। इस तरीके से ये ए है ये बी है, तो ये जो पोर्शन है ये इंटरसेक्शन वाला हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एंड मिले जहाँ पे भी उसको आप इंटरसेक्शन मानोगे, इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचानेंगे यूनियन दे रखा है या इंटरसेक्शन दे रखा है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें रेंज बतानी है फंक्शन की, फंक्शन हमारे पास दे रखा है और जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, और जो एक्स की वैल्यू है वो रियल नंबर्स हैं, तो हम रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर तो ज़ीरो भी है, प्लस माइनस वन, माइनस और प्लस के दोनों के साथ में लिख लेते हैं, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एफ एक्स कितना होगा भाई, एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो गया प्लस में टू, यानी कि टू आएगी एफ एक्स की वैल्यू। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस वन रखते हैं हम एक्स की वैल्यू, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और वन हो जाएगा, वन प्लस टू यानी कि थ्री आ जाएगी, ठीक है। अगर टू रख के देखते हैं, टू का स्क्वायर फोर प्लस टू यानी कि सिक्स, थ्री रखेंगे, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू दैट इज़ इलेवन, यानी कि ऐसे ही हम कंटिन्यू वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सभी वैल्यूज़ जो है वो टू से बड़ी आ रही है, यानी कि या तो टू रहेगी या टू से ग्रेटर रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो इंटरवल है या रेंज है हमें पता चल गया है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। क्लोज इंटरवल क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि टू भी इसमें इंक्लूडेड है, देखो ये रहा टू, टू भी तो आ रहा है ना इसमें, ये रहा, तो टू से शुरू होगा और चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू, तो यहाँ पे इन्फिनिटी लगा देंगे और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि मैच होता है ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाफट, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, वाई इज इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू फोर एंड वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। देखो हमारे पास चार जो है वो लाइन या पैराबोला या जो भी दे रखी हैं एक्सिस, ठीक है, वो दे रखी है, उनके बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो एरिया बाउंड होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का करना है। देखिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, पूरा डायग्राम वगैरह बनेगा इसमें, देखो डायग्रामेटिकली आप समझो इसको। ये बनाया है मैंने, एक मिनट, सबसे पहले एक्सिस बनाओ, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू टू ये लाइन है, वाई इज इक्वल टू फोर ये लाइन है, ठीक है, और ये हमारा ग्राफ है। ये तो हो गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर वाई, ये ग्राफ है,
और ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 4 और ये हो गई y इज इक्वल टू 2। चलो अलग कलर से आपको दिखा लेते हैं, ठीक है। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 4, ये हो गई y इज इक्वल टू 2, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और हमें जो एरिया निकालना है वो इनके बीच का और y एक्सिस के बीच का, तो ये y एक्सिस हो गई हमारी एरिया, तो इनके बीच का जो एरिया है ये कैलकुलेट करना है। ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया हमें निकालना है। तो अब देखो जो लिमिट है हमारी वो y की लिमिट है, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 4 लिमिट है हमारी एक्स डी वाई, डी है ठीक है, एक्स डी वाई हो गया। अब एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई था ना, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, एक्स की 2√y इंटू में डी वाई, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि रूट वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट वाई का मतलब होता है वाई की पावर 1/2, ठीक है। तो 1 पावर ऐड हो जाएगी और उसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 को तो मैंने बाहर ले लिया है। इसका इंटीग्रेशन जब मैं सोल्व करूँगी तो आएगा वाई की पावर 3/2 और नीचे भी आएगा 3/2 और लिमिट आएगी 2 से 4, ठीक है। देखो अब एक वैल्यू कितनी मिलती है, 2, और ये जो 2/3 है इसको भी मैंने बाहर ले लिया है जो नीचे प्रेजेंट था, अंदर बचेगा वाई की पावर 3/2। तो एक बार लिमिट रखो 4 यानी 4 की पावर 3/2 और एक बार लोअर लिमिट रखो 2 यानी 2 की पावर 3/2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट बाहर तो हो गया हमारे पास 4/3 मिल गया हमें, ठीक है। अंदर देखो 4 की पावर 3/2, अब मैं इसको अलग से करके दिखा रही हूँ आपको अलग कलर से। देखो यहाँ पे 4 की पावर 3/2 ये है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू में 3/2 बाहर पावर प्रेजेंट है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर केवल कितनी बचेगी, 3 बचेगी जो कि होता है 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 8 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। नेक्स्ट है -2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 यानी कि एक बार तो 2 कंप्लीट है, 3/2 मतलब होता है 1.5, तो एक 2 कंप्लीट है और एक हाफ है यानी कि एक रूट में हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ये आपका आंसर आ गया है फाइनल। और प्लस में सी इसमें हमने क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बताया भी था पहले भी, जब इंटीग्रेशन में लिमिट दे रखी होती है तब हम सी को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिमिट है 2 to 4 इसलिए हमने लिमिट लगा दी, तो कॉन्स्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑप्शन मैच करते हैं, हमारा आंसर आ रहा है 4/3 8 -2√2 जो कि मैच किसके साथ हो रहा है, 4/3 8 -2√2, यस ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल सही मैच हो रहा है हमारा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल हमें पता है 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड, हमें बताना है कि वो कार्ड एस ऑफ स्पेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो हमारे टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं भाई, ठीक है। और कितने टाइप के, 4 टाइप के। एक तो हो गया, डायग्रामेटिकली बता देती हूँ आपको, ये तो हो गया आपका डायमंड, ठीक है, ये होता है स्पेड, ये होता है हार्ट एंड ये होता है क्लब, ठीक है। सभी के 13 13 कार्ड्स होते हैं हमारे, इसके भी 13 हैं, इसके भी 13 हैं, ठीक है। तो टोटल 52 तभी तो बनेंगे, 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गए, 13 13, ठीक है। और टोटल एस कितने होते हैं, एस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल एस कार्ड्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो सभी में एक एक डिवाइड हो जाएगा। अब जो ये 4 एस कार्ड्स हैं, ये एक स्पेड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक क्लब का होगा और एक डायमंड का होगा, ठीक है। तो यानी कि स्पेड का कितना हुआ, 1 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी हमें स्पेड वाले की बतानी है कि
कि जो एस ऑफ स्पेड है उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो एक ही कार्ड है और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। जो सभी टाइप के कार्ड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे 1 to 13 है नंबर, ठीक है, तो 2 से लेके और 10 तक तो काउंटिंग लिखी हुई होती है, और 1 की जगह हमारा एस होता है, एस कार्ड होता है, जो इक्का हम बोलते हैं, ठीक है। तो सभी में एक एक इक्का प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन मैच करते हैं, हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 1/52 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i-j कैप एंड j कैप-k कैप, ठीक है, हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। सॉरी, वेक्टर क्या क्या है, i-j कैप, ये तो हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया, और एक है j कैप-k कैप, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। मान लो ये ए है, लेट कर लेते हैं हम इसकी वैल्यू ए है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनके बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जब भी एंगल निकालना, कोस थीटा हम निकालते हैं तो वो आता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो बस हमें यही निकालना है। तो ए डॉट बी करो पहले, जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी, तो i-j कैप की डॉट होएगी किसके साथ, j-k कैप के साथ। चलो, i-k को j-k से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ज़ीरो मिलेगा। क्यों ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि आई और जे जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में, जो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और आंसर उसका ज़ीरो आएगा, क्योंकि कोस 90 ज़ीरो होता है। तो आई और जे को मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो मिला। उसके बाद आई की डॉट करेंगे के के साथ, वो भी ज़ीरो मिलेगी, क्योंकि आई और के भी परपेंडिकुलर होते हैं। फिर आएगा जे का नंबर आ गया अब हमारे पास। अब देखते हैं जे क्या जलवे दिखाता है, ठीक है, जे फॉर जलवा। तो जे जो है वो जे के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेगा तो वो हमें देगा 1। क्यों, क्योंकि जे और जे जो है उनके बीच में कोई एंगल नहीं होता, यानी एंगल होता है 0 डिग्री, और कोस 0 होता है 1, और जे आई जे के हमें पता है यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट का। अब जे का के साथ जो जलवा है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, और जे और के जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जे और के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो ओवरऑल हमारा आंसर आया -1। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब हमें इनका मॉडुलस कैलकुलेट करना है। मोड कैसे निकालते हैं, इनके आगे के जो कॉन्स्टेंट हैं उनका स्क्वेयर का सम करके। तो आई के आगे 1 लगा हुआ है, जे के आगे -1 लगा हुआ है, उसका करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा √2 यूनिट। और ऐसे ही हम मोड ऑफ बी निकालेंगे तो उसका भी आंसर सिमिलर वे में हमें √2 यूनिट मिल जाएगा। तो अब बस वैल्यू रख देते हैं हम, तो कोस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से डिफरेंट कलर में ले लेते हैं। देखो, जो कोस थीटा है यहाँ पे, जब हमने वैल्यू रखी -1/2, इसकी भी √2, इसकी भी √2, √2 √2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1/2 हमें वैल्यू मिली है। अब देखिए, जो कोस थीटा है, पहले तो हम ये देखते हैं वो 1/2 कब होता है, वो होता है 60 डिग्री पे। और नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा कोस थीटा, ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कोस थीटा, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में सही वैल्यू है इसकी। तो इसमें हम देखेंगे तो 180-60 करेंगे, यानी कि 120, उसको अगर हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका देखेंगे तो ये होता है 180+60। 60 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसकी वैल्यू 60 पे ही 1/2 आती है। तो अब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो देखना है बस हमें। तो इसको 240 हो जाएगा ये, इसको भी आप पाई में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे 2π/3 आ रहा है और एक 240 आ रहा है, मैच करो आंसर। हाँ, 2π/3 इसमें ऑप्शन गिवन है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो यही एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच में, कोस थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57 दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6.5.8 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से हमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट की। देखें, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, मान लो ये जेड एक्सिस भी हो गई, एक्स वाई जेड। देखो ये पॉइंट है 6.5.8, इसकी डिस्टेंस मुझे वाई एक्सिस से निकालनी है। तो वाई एक्सिस तो ये रहा, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है इसकी, ये वाली। तो वाई एक्सिस पे जब हम पॉइंट्स देखेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स तो ज़ीरो होता है वाई एक्सिस पे, और वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी 5 है ही यहाँ तक, क्योंकि ये इसके सामने ही है ना पॉइंट, तो यहाँ तक तो 5 है। और जेड की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि ये वाई एक्सिस है इसलिए, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करते हैं कैलकुलेट। डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू यानी कि 6 माइनस 0 दैट इज 6, y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 5 का स्क्वेयर, प्लस z1 माइनस z2 8 माइनस 0 इसका स्क्वेयर, ठीक है। कैलकुलेट करो, 6 का स्क्वेयर 36, 5 माइनस 5 0 हो गया, 0 का स्क्वेयर भी 0 होगा, ठीक है। प्लस में 8 माइनस 0 का स्क्वेयर यानी 8 का स्क्वेयर यानी 64 अंदर बन गया, 36 प्लस 64 दैट इज 100। तो 100 का रूट कितना होता है, 10 यूनिट्स, हमें सबको पता है 100 का रूट। तो इजीली हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है कि अगर x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। देखो जब भी हमें किसी चीज़ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए एम और जी एम का कंसेप्ट लेते हैं। फंक्शन था हमारे पास 4 रेज टू पावर x 1 माइनस x, ठीक है। देखो जो ए एम है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ए एम और जी एम क्या है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम निकालना हो फंक्शन का, तो हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प लेते हैं। अर्थमेटिक मीन हम किन्हीं भी दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, और ये होता है रूट ऑफ ए बी जी एम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए है हमारा 4 की पावर x और बी है 4 की पावर 1 माइनस x, ठीक है। तो 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x बटे में 2, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 4 की पावर x इंटू में 4 की पावर 1 माइनस x, ठीक है। देखो 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x हमने यहीं पे रखा, 1 माइनस x, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब जब हमने ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगी, यानी 4 की पावर 1 बचेगी इसमें सिर्फ, ठीक है। और जो ये 2 है हमारे पास, ये जो 2 है, ये इसको जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगी और रूट के अंदर लेके जाऊंगी तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि बाहर रहेगा तो 2 रहेगा, रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, रूट के अंदर 2 बार 4 आ रहा है यानी 4 का स्क्वायर आ रहा है, तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल सिंगल 4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो फंक्शन दिया हुआ था 4 की पावर x और 4 की पावर 1 माइनस x, ठीक है, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ था इसकी वैल्यू या तो 4 आएगी या 4 से बड़ी, तो हमें तो भाई मिनिमम वैल्यू बतानी है ना, तो मिनिमम तो इसकी वैल्यू 4 ही हो गई, या तो 4 आ रही है या 4 से सारी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, जितनी भी आएगी वो सारी 4 से बड़ी आएंगी, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 4 ही हो गई ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारा, 4 है ऑप्शन में, बिल्कुल।
तो 4 जो है वो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। द वैल्यू ऑफ -π/2 लिमिट है और π/2 तक है, साइन 5x, साइन रेज टू पावर 5x डी एक्स। अब देखिए जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, पहले चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ओड। मुझे कैसे पता चला इसमें चेक करना है, क्योंकि जब भी लिमिट आपको -a to a दे रखी हो, यानी ये और ये दोनों सेम है बस प्लस माइनस है, ठीक है, तो हमें हमेशा चेक करना है जो फंक्शन है fx है वो इवन है या ओड है। और ओड फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है 0, ठीक है। तो अगर ओड फंक्शन ये निकल जाता है तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 0 आ जाएगा, सिंपल, हमें कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। और ओड फंक्शन कैसे चेक करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप माइनस एक्स रखो, एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, अगर वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आता है तो वो ओड फंक्शन है और उसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हम इसमें चेक करते हैं, तो हमारा फंक्शन है साइन रेज टू पावर 5x, तो x की जगह हमने माइनस एक्स रखा, तो साइन में हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस का थीटा हमने पढ़ा हुआ है माइनस साइन थीटा होगा वो, ठीक है ना, माइनस बाहर आता है तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 5x, ठीक है। यानी कि हमारा कैसा फंक्शन निकला, ये ओड फंक्शन। अगर ओड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इंटीग्रेशन भी सोल्व नहीं करना पड़ा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फटाफट बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। आज की वीडियो में हम केवल 15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसके जो दो पार्ट्स हैं वो हम और बना देंगे अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन का क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा, सॉरी क्या हो रहा है, देखो x/2, x/3, x/4, x/5, x/6, ठीक है, ये सारी वैल्यूज दे रखी है, इनका मीडियन हमें दिया हुआ है, दैट इज 6, देन x इज इक्वल टू, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो जो नंबर्स दे रखे हैं, सबसे पहले जब भी हम मीडियन निकालते हैं आपको ध्यान रखना है कि या तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तभी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फिर जो बीच का नंबर आएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो देखो ये तो पहले से ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है नंबर, तो हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि x/2 सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा होता है x/3, फिर x/4, फिर x/5 और x/6 सबसे छोटा है इनमें, और सबसे ये नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो भी ओड है, तो हमें जो मिडल टर्म है वो क्या मिल जाती है, मीडियन मिल जाती है, x/4 हमारे यहाँ पे मीडियन है, अरेंज है ऑलरेडी, ठीक है। तो और हमें मीडियन दी कितनी हुई है, 6 दे रखी है ना इन्होंने तो अपनी तरफ से मीडियन, तो यहाँ से तो आपकी वैल्यू भी आ गई। इस क्वेश्चन में तो एक लाइन का ही जवाब था केवल, 6 × 4 दैट इज 24, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो आपको शॉर्टकट से समझ में आ रहा होगा कि कितने जल्दी हमने मीडियन निकाल लिया है, इसका कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं की। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, 1 − cos x / x², ठीक है, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है पहले लिमिट पुट करके। तो लिमिट जब मैंने पुट की 1 − cos 0 पुट करो इसमें x की जगह, cos 0 1 होता है तो ऊपर हो जाएगा 1 − 1 यानी 0 हो जाएगा, और नीचे x² x की जगह 0 रखोगे यानी हमें क्या मिला, 0/0 फॉर्म मिल गई ना, ये 0/0 फॉर्म मिल गई, ये है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो जब भी हमारे पास लिमिट में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, इसको हॉस्पिटल में भेजते हैं ताकि ये ठीक से बिहेव करे, ठीक है, और फिर अच्छे से हमारी लिमिट की वैल्यू दे। चलो तो इसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल में हमें क्या करना होता है, जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है उन दोनों का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो देखो जब हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और लिमिट तो हमारे पास है ही, यहाँ पे हम इसकी लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टाइम्स टू ज़ीरो हमारे पास है ही ऑलरेडी। ठीक है, देखो अब ऊपर बचा साइन एक्स बाई टू एक्स। अब इसमें लिमिट रख के देखो फिर से, साइन एक्स साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, डिवाइडेड बाई टू इंटू ज़ीरो यानी ज़ीरो, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गई, यानी कि इसको दोबारा से हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। तो इसको फिर से हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होगा 2, क्योंकि एक्स का तो 1 हो जाएगा, और लिमिट क्या है इसकी अभी भी वही है, एक्स टेंड्स टू 0। अब पुट करके देखते हैं ठीक होके आया या नहीं, तो कोस एक्स कोस 0 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 लिमिट हमने रखी, तो आंसर मिला 1/2। अब ये ठीक होके आ गया, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल जाने की, तो ऑप्शन ए हमारा मैच होता है करेक्ट आंसर के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। हमें इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने, हमें क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है -2। देखिए इसको एक ब्लैंक पेज पे करते हैं सोल्व, बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो कोसेक थीटा है वो दे रखा है -2। इसको मैं लिख सकती हूँ कि साइन थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, -1/2, यानी कि साइन की वैल्यू -1/2 आनी चाहिए। देखो अब 1/2 तो हमें पता है कि कब होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, π/6 पे होती है ना। ठीक है, तो अब देखो हम ये चेक करते हैं, साइन नेगेटिव आ रहा है, तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 180 प्लस 30 हो जाएगा, और इसमें होता है 360 -30। ठीक है, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 210, और इसकी आ जाएगी 360 -30 यानी 330। आंसर तो हमारे पाई में दे रखे हैं, तो इनको हम पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ गई हैं थीटा की, तो थीटा की एक वैल्यू आई है 210। जब मैंने इसको पाई में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये कट जाए कैंसिल हो जाएगा, 37 जा और 36 पे, यानी 7π/6। और दूसरी वैल्यू अगर हम देखते हैं थीटा की, 330, 330 इंटू में π/ में 180। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है, केवल मैं आपको रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये 11 पे कट जाएगा और ये 6 पे कट जाएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है कि ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो देखो हमारे पास इसमें दो वैल्यूज़ मिली, एक 7π/6, एक 11π/6। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा आंसर मैच करता है, 7π/6 और 11π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ आ जाती, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा मुश्किल था बट डायग्रामेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की है, तो क्लियर हुआ होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एस एन इज इक्वल टू 3n+2n² देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। ठीक है, सम दे रखा है एन की फॉर्म में, तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो देखिए आप सबसे पहले सम को ही लिख लीजिए, क्या दे रखा है, 3n+2n² तो एस वन, एन की जगह वैल्यू 1 पुट करो, एस वन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 2 × 1² यानी कि 2 हो जाएगा, एस वन कितना आया 5, और एस वन किसके इक्वल होता है, ए वन के इक्वल, क्योंकि 1 टर्म का सम यानी कि वो खुद फर्स्ट टर्म ही है, ए वन की वैल्यू 5 आ गई। अब हम निकालते हैं ए टू, सॉरी देखो एस वन इज इक्वल टू 3, एस एन कितना दे रखा है, 3n+2
2n स्क्वेयर, एस वन या फिर ए वन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। अब जब मुझे ए टू निकालना है तो ए टू होता है एस टू माइनस एस वन। एस वन तो हमें पता है, एस टू कैसे निकालेंगे, 3 × 2 यानी 6 हो गया, प्लस 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ये आया है एस टू, माइनस में करना है एस वन, ठीक है। एस वन कितना है 5, चलो 14 - 5 किया हमने, कितना मिला 9 मिला, यानी ए वन आया है 5, ए टू आया है 9, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन यानी कि 9 - 5 दैट इज 4, तो हमारे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आई है 4, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इसमें करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन फेयर कॉइन इज टोस्ट इज 6, ठीक है, 6 टाइम हमने कॉइन को टोस्ट किया है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमें बताने हैं कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, जब भी आप कॉइन को टोस्ट करते हैं, अगर हम किसी कॉइन को टोस्ट करते हैं, कॉइन पे हमारे दो साइड होते हैं, डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ मैं, ठीक है। तो कॉइन पे हमारे दो फेसेस होते हैं, क्या क्या, एक तो हेड और एक टेल, यही होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फेस हो गए, दो। कॉइन को कितनी बार टोस्ट किया, वन टाइम, तो ये दो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, इसकी भी 1/2 हो गई, टोटल पॉसिबल आउटकम तो दो हो गए ना हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि एक ही बार कॉइन को टोस्ट किया है। तो जितनी बार हम कॉइन को टोस करेंगे, हर बार दोनों में से कोई ना कोई एक फेस तो आएगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टोस्ट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2^n, अगर हमने n टाइम्स टोस किया है, ठीक है, क्योंकि 2 2 2 हर उसमें दो फेस में से कोई ना कोई एक मिलता जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज है सभी में, ठीक है। तो अगर 6 टाइम्स किया है तो हमारा आपके पास आंसर n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉइन को 6 टाइम टोस किया है, ठीक है ना। तो अब चलो, इस पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इजी था, केवल डायरेक्ट रिजल्ट था ये कि कॉइन को जितनी बार भी टोस किया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2^n होती है, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आउटकम आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। द वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, वेरियंस निकालना है हमें एन नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले एन नेचुरल नंबर 1 to n होंगे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, वेरिएंस को हम शो करते हैं सिग्मा स्क्वेयर्स, ये इसका सिंबल होता है वेरिएंस का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन, या सिग्मा भी कह सकते हैं इसको, समेशन एक्स आई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, एक्स बार मतलब मीन, मीन का स्क्वेयर, ठीक है। तो हमारे जो नंबर्स है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, 1 2 3 4 अप टू एन तक दे रखे हैं नंबर्स, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, बिल्कुल आसान है। ऊपर आ रहा है समेशन एक्स आई का स्क्वेयर, यानी सम करना है हमें 1 से लेके n तक का, 1² + 2² + 3² इस तरीके से। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले, स्क्वेयर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ n नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 होता है, यही होता है फॉर्मूला। और नीचे जो एक और n हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उसको हमने लगा दिया है माइनस का साइन। अब आता है मीन का स्क्वेयर, मीन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जो सम ऑफ टोटल नंबर्स एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो सम है वो कैसे निकालेंगे, 1 to n टर्म्स का, n × n+1/2 होता है फॉर्मूला, 1 से n तक का सम कैसे करते हैं, n × n+1/2, और मीन निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और इसका पूरे का स्क्वेयर करना है हमें, ठीक है। तो n से n कैंसिल, यहाँ पे भी n से n कैंसिल,
ऊपर बचेगा, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिलेगा 2n² + 3n + 1/6 - इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा n² + 2n + 1/4। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे पूरे को एलसीएम लेके कैंसिल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा n² - 1/12। आई होप आप इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली एलसीएम लेके। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा n² - 1/12। चलिए मैच करते हैं इसको ऑप्शन हाँ ऑप्शन बी के साथ, हमारा करेक्ट जा रहा है ये। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, कुछ याद भी आए होंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारा ये वीडियो का पार्ट 1 था, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं आपके लिए, और फटाफट से आपका पूरा पेपर हम सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।